हिसार में चली है ईटे ही ईटे। जी हाँ, मेरे सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ईटों का ढेर लगा हुआ है और कुछ ईटे यहाँ पर चली हैं। दो मोहल्ला वासियों में बड़ी भयंकर जो है लड़ाई हुई है, देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ ईटे खिंडी हुई है और दूसरी तरफ वहां पर भी ईटे जो है बिखरी हुई है। यहाँ पर मैं देख पाएंगे घर में यहाँ पर भी ईटे बिखरी हुई है, ऊपर जो है कांच शीशा जो है वो भी टूटा गया है और सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं दो लोगों के ज्यादा चोटें लगी हैं। एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, सीरियस बताया जा रहा है, जिसके चोट में सर में चोट लगी है। वह दूसरा अन्य व्यक्ति है उसको भी चोट लगी है। मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर एक मोहल्ले में सोरगढ़ ढाणी है जो कि अग्रसेन कॉलोनी के पास है और यहाँ पर ईटे चली हैं, लगातार ईटे चली हैं। मेरे सामने आप देख पा रहे हैं बड़े भयंकर तरीके से ईटे चली हैं। बताया जा रहा है कि मोहल्ला वासी जो है उनमें किसी बात को लेकर के आपस में कोई झगड़ा होता है और उसके बाद जो है कुछ लोग बाहर से भी बुलाए गए हैं ये कहा जा रहा है और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो है लगातार ईंटें बरसाने का काम किया जाता है। इधर यहाँ पर ईंटें दिख रही है, यहाँ पर ईंटें दिख रही हैं और एक घर जो आगे है वहां पर भी ईंटें जो है काफी सारी बिखरी हुई है। इस समय सैकड़ों की संख्या में मोहल्लावासी इससे इकट्ठा हो चुके हैं। चारों तरफ जहां भी नजर देखेंगे पूरी की पूरी सोरगढ़ ढाणी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। शुरुआती जो मामला है वो कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन बताया जा रहा था, लेकिन बाद में जो है कुछ और मामला भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बातचीत करते हैं क्या पूरा मामला है, किस मामले को लेकर के जो है क्या कुछ कहना है, कुछ मोहल्लेवासी इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। कौन बोलेगा इनसे, यहाँ मोहल्लेवासी जानते हैं क्या मामला है, किस वजह से किस लोगों को चोट लगी है। बड़ा भयंकर मामला बन चुका है, देख सकते हैं पुलिस भी आई हुई है। यहाँ पर महिलाएं जो है वो भी किस तरीके से जो है वो झगड़ा यहाँ पर हो रहा है वो भी यहाँ पर कह रही है कि हाँ हमारे घरों में भी ईंटें बरसाई गई है। ये देखिए यहाँ पर भी ईंटें बरसाई गई है, गेट दिखाइए कौन सा है, ये देखिए यहाँ पर भी ईंटें बरसाई गई है, ये कहा जा रहा है दोनों घरों में ईंटें जो है वो बरसाई गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी ईंटें बरसाई गई है, घरों के अंदर ईंटें बरसाई गई है। सोरगढ़ ढाणी अग्रसेन कॉलोनी के पास का मामला ये है और आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं मैं धीरे धीरे कहूंगा दिखाई और उठा के लेके एक मिनट यहाँ पर भी देख सकते हैं ईंटें बरसी हुई है और यहाँ ये देख सकते हैं खून बरसा हुआ है। पुलिस जो है मौके पर आई है, अच्छा ओहो चेहरे पे इनके देख सकते हैं चेहरे पर भी चोट लगी है और काफी निशान जो है वो इनके चेहरे पर आए हुए हैं। घर वालों को खींच के ले गए हैं, आपके घर वालों किसके ले गए, क्या नाम आपके घर वाले, जोगिंदर है, चार पांच जने आए हैं खींच के ले गए, डंडा ईंट सब मार रहे हैं, बहुत ज्यादा लाल गड्डी में आए और खींच के ले गए, खून खून हो रहा, बहुत ज्यादा खून आ रहे हैं। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था आपस में, हम तो इधर कोई लड़ाई नहीं थी, अच्छा सोए हुए थे और हमला कर दिया हमारे घर अंदर बढ़ के, हमारे पेड़ियों पे लटका आके यहाँ पेड़ियों पे लटका, हमारे कमरे तक ईंट गई है कमरे तक। पहले किसने हमला किया, क्या बात को लेकर झगड़ा हुआ, हमारे घर में बढ़ गए राहुल, उन्होंने बाहर के बुला के उनने हमला किया है जी, राहुल है मेन, अच्छा हाँ वो लड़का है मैन, पहले दिल्लू है, दिल्लू है, राहुल भी है, उसका बाप है प्रकाश और उसकी मम्मी नीलम है जी, उन्होंने हमारा हमला किया। उसके पिता को भी चोट आई है जो डॉक्टर है, राहुल क्या नाम, राहुल के पिता क्या नाम है, प्रकाश, प्रकाश के भी यहाँ पर गहरी चोट आई है, उसने मारी है चोट, उसके तो पहले ही आ रही है, उन्होंने खुद ने मारी है। सर ये देखो इसके पिताजी ने बचाओ, ये देखिए ये इनके भी चोट लगी हुई है, उनके पिताजी है जोगिंदर के, अच्छा ये जोगिंदर के पिताजी है, इन्होंने बचाव करा, बहु का भी लगा है सोए पड़ों पे, अच्छा सोए पड़ों पे, तो बहु का टांग पे, अच्छा बहु का टांग पे मार रखी है। तो प्रकाश और जोगिंदर के जो है दोनों के ज्यादा चोटें आई हुई है, दोनों के दोनों एडमिट हैं और परिवार का कहना है कि छोरे ने खुद मारी है, अच्छा आपकी भी लगी है, इसको ईंट लगी है, ओहो अभी ना एक महीने से बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, बच्चे हुए और ईंट लगी है इसको, अच्छा क्या नाम आपका, इसका आपका क्या नाम है, सुमन है, सुमन है, आपके पति है जोगिंदर, पति है वो जोगिंदर, झगड़ा किस बात को लेकर हुआ ये तो बताए, आपसे भी मैं ऐसी लड़ाई हो रही थी, छुड़वा रहे थे वे, छुड़वा रहे थे, झगड़ा किसके साथ हुआ था, सर जोगिंदर के साथ कोई झगड़ा नहीं था उनका, लड़ाई इनके आपसरी में किसी और के साथ थी, किसके साथ थी झगड़ा जी, लड़ाई इनके आपसरी में किसी नौरंग के साथ थी, दिखाना कहाँ कितनी चोट लगी है, जोगिंदर को इतनी चोट लगी, खून आया बहुत ज्यादा, अगर जोगिंदर के यहाँ चोट देख सकते हैं ये जोगिंदर के लगी है और वो दूसरा पक्ष जो है वो क्या नाम, राम कौर नाम है, क्या नाम, उनका नाम प्रकाश, प्रकाश प्रकाश और जोगिंदर, ये देख सकते हैं ये उसमें किसी ने बचाया जी, अच्छा अपने घर में ले जाके, घर में बढ़ा के जो जान छुपी है, इसकी जान बची है जी, अच्छा
कि सिर में ज्यादा चोटे हैं, ईटे लगी हैं। अच्छा, मेरे भी मुक्का मारा है, देख सकते हैं महिला के भी चोट लगी है, जोगिंदर है उसकी भी चोट लगी हुई है और दूसरा पक्ष है उसके भी चोट लगी हुई है। फिलहाल पूरा मामला देख सकते हैं, अभी ये पता नहीं लग पा रहा कारण क्या है, लेकिन गेट खोल के अंदर बढ़े हैं, अंदर बढ़े हैं 10-11 जन, दीवार से दीवार कूद के ऊपर जाके और घर में से कुंडा खोल के घर में बढ़ के मार के गए। देख लो आप इतने पड़े कितनी सारी पेड़ियों पे लटक के दीवार पे कूद के, हमने बड़ी मुश्किल से जान बचाई है बच्चे अंदर लेके और यहाँ मार के गया, अंदर रूम तक ईट गई है, कमरे तक देख के आओ आप। अच्छा, अंदर तक ईटा जी ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी ईटे बिखरी हुई हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पर भी ईटे गिरी हुई है, कहाँ पे है और कहाँ तक है ये तो। अच्छा, और भी है यहाँ अंदर ईट, यहाँ तक हमने अंदर करे हैं मुश्किल से, मेरे हस्बैंड को खींच के ले गए 10-11 जने, यहाँ से लाल रंग की गड्डी और वहाँ से मार के गए, लड़के ने ईट मारी है उसके सिर में। लेकिन प्रकाश का लड़का कह रहा है कि इन्होंने मेरे को चीट मारा, नहीं झूठ बोल रहा, वो सच कसम खा कह रही हूँ, हमें नहीं पता किसने उसके लड़के ने ईट मारी यार, मेरे घर वाले को डंडा ईट इतने मारे खूनम खून हो रहा, मेरा घर वाला सिर पट रहा बहुत ज्यादा, अब मुझे भी जबरदस्ती करे मुक्का मारा, मैंने छुड़वा दे। अभी तक डॉक्टर ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया, डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए, मुझे लेकर नहीं गए, वे खुद गए हैं। तो इनके भी घर वालों के साथ तीन लोगों के लगी है, जोगिंदर के घर से ना, जोगिंदर के घर में जो है तीन लोगों को, एक उसकी धर्मपत्नी उसके चोट लगी है और उनके पिता है, आपके ससुर है क्या, ससुर है उनको भी चोट लगी हुई है, उनके हाथ पे लगी, इनकी आंख पे लगी और जोगिंदर के सिर में चोट लगी है। वहीं पर दूसरी तरफ जो है दूसरी तरफ जो डॉक्टर कहते हैं उसके भी सिर में चोट लगी है, वो भी अभी जो है हालत जो है नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, आपको बता देते हैं एचसीयू चौकी लगती है और कहा जाता है कि एचसीयू चौकी के जो इंचार्ज है वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई करते रहते हैं, लगातार गश्त करते रहते हैं एचसीयू के इंचार्ज, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी घटना हो जाना, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो बाहर के लोग आकर के कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम दिया हुआ। तो अभी इंचार्ज साहब है, इंचार्ज साहब एडिशनल एसएचओ, शुभ नाम है इनका, राजवीर जी एडिशनल एसएचओ साहब यहाँ पहुंच चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर पूरे मामले में क्या कुछ कहेंगे, क्या मामला सामने आया अब तक की जो ऐसा है जी, अभी तो इन्होंने यही नहीं बताया है, बड़ा शोर हो रहा था, अभी मैं इनसे पूछूंगा, अभी मैं फोर्स बुलाई है मैंने इधर उधर से, अपने पीसीआर बुला रखी है और ईआरवी भी बुलाई है, तो अब मैं इनसे पूछूंगा, अभी जितनी यहाँ भीड़ थी ये सब घरों में भेज दिए हैं। अब घरों में आपस में जाके झगड़े किया गया है, ईंटें बरसाई गई हैं और तीन लोगों के चोटे भी आई है। ऐसा है, चोट तो लगी है, हॉस्पिटल में गया है, और दूसरी बात ये है कि मैं अभी पूछूंगा कि इनका झगड़ा कैसे हुआ, अभी काफी शोर हो रहा था, शोर होने की वजह से मैं पूछ नहीं पाया हूँ, अभी मकानों में भेजे हैं जिनके साथ दोनों पार्टियों में ब्लॉक है, इनसे पूछताछ करूंगा कि झगड़ा क्यों, किस बात को लेकर क्या लगता है कि आगे जिस तरीके से अब दोनों आमने सामने घर हैं, इनके पास में घर हैं, तो झगड़ा और भी बढ़ सकता है, तो क्या इस यहाँ पर पुलिस लगातार मौके पर तैनात रहेगी जब तक पूरा समाधान नहीं रहेगा? हाँ, यहाँ पीसीआर है, पीसीआर रहेगी, इसकी ड्यूटी लगाऊंगा, अभी पीसीआर यहीं पर रहेगी और मैं भी रात को राउंड लगाऊंगा, ठीक है, एसएचओ साहब भी आएंगे, ठीक है, ऐसी कोई बात कहा जा रहा है कि एसएचओ साहब जो बलवान जी है जो एचयू के हैं, दलबीर सिंह जी, वो भी शायद आते रहते हैं, राउंड भी मारते रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटना हो जाती है, वो किस कारण से, क्या लगता है, क्या ऐसा जी एरिया ज्यादा है, अचानक हो जाती है, ये कभी कभार की बातें हैं, ये नहीं कि नजदीक दौर में कोई हमारे, काफी टाइम से शांति थी, काफी टाइम से अभी वारदात हुई है, टाइम से शांति थी, आज पता नहीं किस बात से को लेकर इनका झगड़ा हुआ है, वो हम इनसे बात करेंगे दोनों पार्टियों के, समझाएंगे, जिसका चोट लगी है उसका जो बयान आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अभी कितने लोगों को चोट आई है, अभी क्या बात, चोट एक को पता लग गया है हमारे को, एक जन एक बंदे को चोट लगी है, दो लोगों की सुनी है, क्योंकि एक जोगिंदर बताया जा रहा है, दूसरा शायद वो प्रकाश है, ऐसा है हमारे पास अभी रुका नहीं आया है, हम हॉस्पिटल गए थे पर ये झगड़ा का पता लगने गए, हम हॉस्पिटल गेट से वापिस आ गए। कितने बजे की घटना है सर, लगभग 10:30 बजे के आसपास की घटना है, हम मौके पे थे।
अच्छा, आप मौके पे थे? हाँ, उसी टाइम मामा मौके पे आ गए थे, हम समझाव जाके चले गए थे यहाँ से, बयान लेने के लिए चले गए थे, लेकिन दोबारा फिर यहाँ से फिर कॉल आने के बाद दोबारा फिर मतलब सरकारी अस्पताल से गेट से वापस आए हम। हाँ, अभी यहाँ भीड़ को मतलब काबू कराया है, अपने अपने घर भेज दिया गया इनको, अब जो मुनासिब कार्रवाई वो करेंगे। शांति बरकरार रखी जाएगी और कानून व्यवस्था बरकरार रहेगी? बिल्कुल शांति बरकरार रखी जाएगी। हाँ, ये सर ये कुछ कहना चाहते हैं? बताओ भी के, हाँ। सारे लड़ाई झगड़े के मौजूद थे, मौजूद थे उस टाइम मौके पे थे आप? अच्छा, हुआ क्या था, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, ये तो बताओ। मैं आप एक साइड में चल के मैं सारी कहानी बता दूँ। हाँ बता दो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है, किस बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, किस बात को लेकर शुरू हुआ था? ये ऐसा था, मेरा नाम श्रवण है जी, मैं तो ट्रैक्टर पे काम करता हूँ, हम आए थे काम से, तुम्हारे ये रामू जी का एक कमरा है वो पहले रमन जी को किराए पे दिया हुआ था, उसमें हमें खाली करवा दिया, ये पे अनेर आदमी आते थे खाते पीते थे, तो इसने वहाँ मना कर दिया, क्योंकि साइड में कमरा दे दिया, वहाँ पे बैठे हुए थे, तो हमारे दादी जी डेथ हुई थी, तो हमने गाड़ी की हुई थी कि आप सारे मिलके साथ। शॉर्टकट में बताएं मामला क्या है, मैं आपको वही बताऊंगा, जब आपको पता चलेगा, ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा। नहीं, आप मुझे शॉर्टकट में बताएं मामला क्या है, क्योंकि देखिए लंबी वीडियो हो जाएगी, इतनी लंबी मैं बात रख नहीं कर पाऊंगा, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, आधार एरिया बंद कर दो, चले ये पता नहीं एरिया कहाँ से पड़ता है, अभी इस मोहल्ले के अंदर मौजूद है हम लोग, क्या हुआ? नहीं बात बताएं, बात बताओ, एक बार लाइव कर रहा हूँ। चलो मैं करता हूँ लाइव, एक बार बाद में करूंगी, बताता हूँ। तो लाइव तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा पर, सबसे पहले सबसे फास्ट दरअसल मामला क्या हुआ, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, कहा जा रहा है कि दोनों पक्ष या तो दोनों शराब पी रहे थे या फिर किसी बात को लेकर पुरानी बात को लेकर के शायद किसी बात में अनबन बनी, किसी बात को लेकर झगड़ा बना और उसको लेकर के गुस्सा बढ़ा, गुस्सा इतना इस कदर बढ़ा कि दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा जो है वो बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते काफी बड़ा हो गया, शुरुआत शायद गाली गलौज से हुई और उसके बाद ईंटे बरसनी शुरू हो गई, दोनों तरफ जो है ईंटें बरसी गई हैं, दोनों घरों में ईंटें बरसी हुई हैं और माहौल जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। यहाँ पर पुलिस आने के बाद भी लगभग एक डेढ़ घंटे तक मामला शांत नहीं हुआ, उसको शांत करने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, सारी रात यहाँ पर जिप्सी तैनात की जाएगी पूरे मोहल्ले में, क्योंकि लगातार ये डर बना हुआ है कि ये दोबारा जंग छिड़ सकती है, दोनों पड़ोसियों में दोबारा मोहल्ले में जो है ये झगड़ा हो सकता है, और इसी झगड़े को लेकर के अब जो है पुलिस प्रशासन भी सचेत हो चुका है और कार्रवाई क्यों अब जो है पूरी कार्रवाई के लिए प्रशासन इस समय मौजूद है। प्रशासन का कहना है कि सारी रात हम लोग यहाँ ही रहेंगे, गश्त पे रहेंगे और पूरे मामले में जो है हमने सुना, एक तरफ तस्वीरें हमने दी, जोगिंदर के परिवार से हमने बातचीत की, जोगिंदर के परिवार का कहना है कि दूसरा पक्ष आकर के तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चलिए दूसरे पक्ष से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, शायद ये डॉक्टर का परिवार वाला पक्ष है, दूसरा पक्ष से भी जानने की कोशिश करते हैं, जोगिंदर के जानते हैं उनका क्या कहना है पूरे मामले में। राहुल जोगिंद फिलहाल दूसरे पक्ष में, ये डॉक्टर है जो दूसरा पक्ष है जी, दूसरा पक्ष है। दो पक्षों में झगड़ा बहुत बढ़ चुका है इस समय, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा के माध्यम से। एक मिनट आना जी आंटी, मीडिया वाले आए हैं आपके, एक बार दरवाजा खोलना। तो अभी दूसरा पक्ष जो है वो शायद काफी घबराया हुआ है, डरा हुआ है, वो अभी दरवाजा नहीं खोल रहा है, तो उनसे अभी पता नहीं लग पा रहा है। तो जैसे तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम आपको पल पल की तस्वीर दिखा रहे हैं, मैं एक बार अपने सहयोगी को एक बार दिखा दीजिए अंदर जा करके, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी ईंटें बरसी हुई हैं, ये देख सकते हैं ईंटें बिखरी हुई हैं, शीशा भी टूटा हुआ है, दोनों पक्षों की तस्वीरें हमने आपके आगे रखी, दो मोहल्ले के अंदर ये झगड़ा जो है हो चुका है और लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बड़ा झगड़ा इस समय बना हुआ है।
और लगातार ये कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों में और भी झगड़ा हो सकता है, उसके लिए पुलिस इस समय मौके पर मौजूद है और सिचुएशन को हैंडल करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। एक बार खोल के अपनी बात पर रखोगे के जी? हेलो, शायद दूसरा पक्ष काफी घबराया हुआ है, वो शायद नहीं बोलना चाह रहा या आगे नहीं आना चाह रहा। तो दो पक्षों में हुआ झगड़ा, दो मोहल्ले वासियों में हुआ झगड़ा और दोनों को ही जो चोट आई है, एक के परिवार वालों को, दो तीन लोगों को चोट आई है, एक के शायद एक व्यक्ति को चोट आई है। और ये देख सकते हैं बाइक जो है, जिसकी बाइक थी उसकी भी ईंटें बरसने के कारण बाइक भी बिल्कुल टूट चुकी है, डैमेज हो चुकी है, काफी ईंटें बरसी हैं और काफी गहरी चोटें जो हैं वो आई है। पुलिस प्रशासन इस समय मौके पर मौजूद है, राउंड लगा रहा है और कल जो है पूरी घटना के बारे में प्रशासन का कहना है कि पूरा मामला समझ करके उसके बाद जो है पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी कुछ भी प्रशासन कार्रवाई के लिए कह रहा है कि अभी जो पूरी जानकारी ली जाएगी उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पुलिस मौजूद है, पूरी PCR पूरी रात जो है यहाँ पर मौजूद रहेगी, क्योंकि अभी भी डर बना हुआ है कि ये दोनों मोहल्ले वासी जो है आपस में फिर से टकरा सकते हैं, इसका डर जो है लगातार बना हुआ है और इसीलिए पुलिस प्रशासन अब पूरी रात यहाँ गश्त करने वाली है। सीधी तस्वीरें हमने आपके आगे दिखाई, आधार न्यूज हरियाणा पर वीडियो को शेयर करते रहे, तमाम तस्वीरों को शेयर करते रहे, दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे नई ताजा अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।